गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डू आर नेक्स्ट लेसन नेम्ड द बेयर स्टोरी सो लेट्स स्टार्ट नाउ देयर वाज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन एन ओल्ड मैनर हाउस ऑन द बॉर्डर ऑफ ए बिग फॉरेस्ट तो स्टार्टिंग में क्या बताया है कि एक बार एक लेडी थी जो कि जंगल के फॉरेस्ट क्या होता है जंगल जंगल के किनारे पे उसका घर था एक और ओल्ड मैनर घर था पुराने टाइप का दिस लेडी हैड ए पेट बेयर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इस लेडी के पास एक ना पेट बेयर यानी कि उसका एक पालतू एक भालू था उसके पास जो उसने पाला हुआ था जिसकी वो बड़ी फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन थी इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड ये उसे एक जंगल में मिला था ये जो भालू मिला था उसको वो जंगल में मिला था हाफ डेड अधमरा ऑफ हंगर जो कि भूख से अधमरा था सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बोतल बाय द लेडी इतना छोटा था कि इसको मतलब उस लेडी ने बोतल के दूध से मतलब पाला, जैसे बच्चे को हम दूध पिलाते हैं ना बोतल से वैसे एंड द ओल्ड कुक लेडी ने और ओल्ड कुक ने उनके घर पे एक कुक जो खाना बनाते हैं एक कुक था और ये लेडी ये स्टोरी में मेन तीन ही कैरेक्टर हैं एक जो बियर है वो दूसरा है जो लेडी जिसने उसको पाला तीसरा उनके घर में जो कुक है खाना बनाता दिस वॉज सेवरल यर्स एगो एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू ए बिग बियर अब कई साल हो गए थे इस बात को अब ये जो भालू है ये अब बिग बियर बन चुका था बड़ा भालू बन गया था सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन ए काओ इतना बड़ा कि अब वो एक अगर चाहता तो काओ को स्लेन करके यानी कि मार सकता था एंड कैरीड इट अवे बिटवीन हिज टू पाज और उसको अपने दो पंजों में मतलब दबा सकता था लेके जा सकता था इफ़ ही हैड वॉन्टिड टू अगर वो चाहता करता नहीं था पर इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो चुका था ये बट ही डिड नाट वॉन्ट टू पर वो नहीं करना चाहता था ऐसा ही वॉज ए मोस्ट एमियबल बियर वो बड़ा ही एमियबल होता है मिलनसार बड़ा ही मिलनसार बियर था हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी जो किसी को हार्मिंग यानी कि नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता था मैन और बीस्ट ही यूज टू सिट किसी भी मैन को बीस्ट यानी जानवर को नुकसान पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता था ही यूज़ टू थिंक ही यूज टू सिट आउटसाइड हिज कैनल वो अपने कैनल के बाहर बैठ जाता कैनल जहाँ पे वो रहता था उसके घर को बोलते हैं एंड लुक विद स्मॉल इंटेलिजेंट आइज मोस्ट एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय और बाहर बैठ के अपने कैटल के बाहर बैठ के और बाहर जो ग्रेजिंग जो कैटल होते थे उनको जो मतलब पशु चर रहे होते थे अपना खाना वगैरह खा रहे होते थे कुछ भी तो उनको देखता रहता अपनी आई से द थ्री शैगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल न्यू हिम वेल एंड डिड नाट माइंड इन द लीस्ट वेन द शफल्ड इन टू द स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस तो तीन पोनीज़ बताए हैं पोनीज़ क्या होते हैं जो घोड़े से थोड़ी सी जो लोअर वो है कैटेगरी है पोनीज़ खच्चर बोलते हैं जिनको माउंटेन वगैरह पे चढ़ाई करने के लिए होते हैं तो ये एक स्टेबल यानी कि उनका स्टेबल उसको बोलते हैं जहाँ पे ये रखे जाते हैं पोनीज वगैरह हॉर्सेज वगैरह तो वो क्या था वो भी क्या करते थे वो कभी बुरा नहीं मानते थे जब वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ जो भालू था बेयर था वो अपनी मालकिन के साथ वहाँ पे कभी आ जाता था तो द चिल्ड्रन यूज टू राइड टू ऑन हिज बैक बच्चे थे वो भालू की पीठ पे बैठ जाया करते थे एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड अस्लीप इन हिज कैनल और कई बार तो वो बच्चे क्या है उसकी कैनल में उसके जो भालू का घर बना हुआ था तो उसमें सो भी जाते थे बिटवीन हिज टू पास उसके पंजों के बीच में तो यानी कि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था द थ्री डोग लव टू प्ले ऑल सॉर्ट ऑफ गेम विद हिम तीन अब वहाँ पे डॉग रहते थे वो भी क्या करते थे वो उसके साथ ना खेलते रहते थे वो तो जो तीनों डॉग थे उसके साथ पुल हिज ईयर्स उसके कान खींचते एंड हिज स्टम्प ऑफ टेल और उसकी जो पूँछ थी वो भी टेल होती है, पूँछ, उसको खींचते ये देखो जैसे दिखा रखा है पिक्चर के अंदर एंड टीज हिम इन एवरी वे और हर तरह से उसे परेशान करते थे बट ही डिड नॉट माइंड इट इन दीस्ट पर वो जो बेयर था भालू था वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करता था बुरा नहीं मानता था ही हैड नेवर टेस्टेड मीट उसने कभी मीट नहीं खाया था ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स एंड ऑफन आउट ऑफ द सेम प्लेट तो वो मतलब वही खाना खाता था जो जैसे कि डॉग खाते हैं क्या क्या ब्रेड है पॉरेज है पोटैटो है कैबेज टर्निप तो ये चीज़ें उसके मतलब खाने में रहती थी ब्रेड हो गया पोरिज पोरिज क्या होता है जो पानी और दूध में उबाल के कुछ दिया जाता है सीरियल वगैरह पोटैटो हो गए आलू जैसे कैबेज गोभी होगी बंद और टर्निप शलगम वगैरह ही हैड ए फाइन एपीटाइट उसकी भूख बड़ी अच्छी थी मतलब खाना वाना अच्छा खाता था एंड हिज़ फ्रेंड द कुक सॉ टू इट दैट ही गोट हिज़ फिल और कुक ध्यान रखता था भी इसने यहाँ पेट भर के खा लिया है बेयर्स आर वेजिटेरियंस इफ़ वी हैव ए चांस तो कहता है बेयर्स जो होते हैं जनरली हम सोचते हैं बेयर्स क्या होते हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं यानी मीट वगैरह खाते हैं मांस खाते हैं पर कहता ये वेजिटेरियन भी हो सकते हैं शाकाहारी भी हो सकते हैं एंड फ्रूट इज़ वाट दे लाइक बेस्ट तो अगर उनको वो फ्रूड मिल जाए ऐसा खाना मिल जाए जिसको वो बहुत पसंद करते हैं तो वो क्या है वेजिटेरियन भी हो सकते हैं इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विद हीज़ विस्टफुल आइज़ एट द राइपनिंग एप्पल्स इन द दर्चर्ड तो क्या करता था वो ओटम में ओटम जो सीजन है उसमें वो क्या करता वो बैठ जाता आराम से और फिर अपना आँखों से देखता राइपनिंग एप्पल्स जो पके हुए सही तैयार हो जाते हैं एप्पल्स उनको ओचर्ड के अंदर जो ओचार्ड क्या होता है <coughs> जैसे जहाँ फ्रूट्स वगैरह लगते हैं उस गार्डन को बोलते हैं एंड इन हीज़ यंग डेज ही हैड बीन समाइम्स अनएबल टू रिजिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लाइम द ट्रीज़ एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अंडफुल ऑफ देम तो इसमें क्या है वो जैसे बताया भी ओ चाट को एप्पल्स को देखता रहता था और समटाइम्स क्या होता था अपने आप को रोक नहीं पाता था टेम्पटेशन मतलब वो एक लालच में आ जाता था टू क्लाइम ट्रीज पेड़ों पर पे चढ़ के और थोड़े बहुत वो वहाँ से फ्रूट्स तोड़ लेता था मतलब खा जाता था वहाँ पे चढ़ के बियर्स लुक क्लमसी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स अब जनरली क्या होता है जो भालू होते हैं From और स्लो बड़े ही स्लो और एक आलसी टाइप के दिखते हैं बट ट्राई बियर विद एन एप्पल ट्री पर कहता है एक बेयर को अगर चेक करना हो तो एक एप्पल ट्री के साथ चेक करो एंड यू विल सोन फाइंड आउट दैट ही कैन easily बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम भी अगर एप्पल उसको दिखा दिया जाए ना बेयर को तो फिर उसको चाहे स्कूल बॉय से मैच कर लो फिर पता चलेगा वो कितना आलसी है या नहीं है यानी उस टाइम फिर वो बड़ा एक्टिव दिखता है नाउ ही हैड लर्ट दैट इट वॉज़ अगेंस्ट द लॉ अब वो सीख गया था ये बात भी ये बात गलत है पेड़ों पे चढ़ के इस तरह से फ्रूट्स वगैरह तोड़ लेना बट ही कैप्टज स्मॉल आइज़ वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स पर उसकी आँखें ऐसे ना खुली रहती थी एप्पल के लिए दैट फेल टू द ग्राउंड जो ग्राउंड में गिरते थे उसके लिए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था खाने को देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफिकल्टीज अबाउट द बी हाइव्स वहाँ पर जो मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उसके लिए भी बड़ी दिक्कत रहती थी आपको पता है बिहाइव हनी और बियर तो, तो आपको पता ही है इनके बीच में कैसा रिलेशन है मतलब बियर बहुत पसंद करता है शहद को हनी को तो बिहाइव के अंदर वही होता है मधुमक्खी का छत्ता ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बाई बींग पुट ऑन द चेन फॉर टू डेज़ विद द ब्लीडिंग नोज तो इसकी उसको सज़ा क्या मिलती थी कभी वो अगर छेड़खानी कर देता कभी मान लो रूल को ब्रेक कर देता भी मान लो बिहाई उसने देख लिया और वो तोड़ दिया तो उसकी सज़ा उसको क्या मिलती थी उसको चेन कर दिया जाता था बांध दिया जाता था दो दिन के लिए और ब्लीडिंग नोज तो यानी कि उसकी पिटाई भी होती थी नाक पे उसके मारा जाता था एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन और फिर उसने मतलब पहले किया था तो बाद में दोबारा नहीं किया पनिशमेंट के बाद क्योंकि वो समझ गया था भाई ये चीज़ें मुझे नहीं करनी हैं अदरवाइज़ ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट एंड क्वाइट राइटली सो फॉर ए बीयर अदरवाइज उसको मतलब चेन नहीं किया जाना था लाइक ए डॉग इज़ एप टू गेट सम वट इल टेम्पर इफ कैप्ट ऑन द च एंड नो वंडर तो वही बात है कि अगर ये इल टेम्पर ना दिखाई अपना तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडेज संडेज़ को भी खासकर इसको बांध के रखा जाता था अब संडे की स्टोरी चलेगी वेन हीज मिस्टर स्पेंड टू स्पेंड द आफ्टरनून विद हर मैरिड सिस्टर हु लिव्ड इन ए सोलिट्री हाउस तो संडे को इसको क्यों बांध के रखा जाता था क्योंकि जो इसकी मालकिन थी वो अपनी सिस्टर के घर जाया करती थी जो उसके सोलिट्री हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक जो दूसरी साइड में गाँव के माउंटेन लेक के पास थी एक झील के पास ए गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट जो कि घंटा भर चलने से मतलब पहुँचते थे वहाँ जंगल में से होके इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशंस और ऐसा इम्पॉसिबल था भी वो जंगल जाए और टू तो वंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशन और अपने जैसे वो भालू है वो अपने टेम्पटेशन को रोक पाए क्योंकि वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी जंगल के अंदर तो भी हाई भी मिलेंगे फ्रूट्स भी मिलेंगे और वैसे भी कोई और जंगल में जाने से अगर रूटीन में अगर बेयर जाता है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी वो नॉन वेजिटेरियन बन सकता था ही वॉज ऑल्सो ए बैड सेलर एंड हैड वंस टेकन सच ए फ्राइट एट ए सडन गस्ट ऑफ विंड दैट ही हैड अपसेट द बोट एंड ही एंड हिज मिसट्रेस हैड टू स्विम टू द शोर तो एक बार क्या हुआ था ये एक बार बोट में जा रहे थे ये जो बेयर है और इसकी मिस्ट्रेस तो कुछ ऐसा हुआ कि इनको मतलब ये अपनी हलचल करने लग गया उसमें तो इनको वो बोट पानी में मतलब उल्टी हो गई और इनको तैर के बाहर आना पड़ा नाउ ही न्यू क्वाइट वेल वट इट मैंट वेन ही इज मिस्टर्स पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडेज अब बेयर को पता था भी संडे को जब चेन बांधी जाती थी तो इसका मतलब वो जानता था भी क्यों बांधी जा रही है विद अ फ्रेंडली टैप ऑन हिज हैड एंड द प्रोम ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न इफ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग द ड्यूरिंग हर एबसेंस तो उसको पता होता था भी जिस दिन उसके मालकिन उसके सिर पे हाथ लगा देती ऐसे उसको मतलब सहलाती तो वो समझ जाता था भी आज संडे है तो आज मालकिन जाने वाली है और ये जब आएगी तो मैं अगर अच्छे से रहता हूँ तो मुझे ये एप्पल भी देगी खाने को तो इसकी ये कंडीशनिंग हो चुकी थी ही वो सॉरी बट ही रिजाइन लाइक ए गुड डॉग अब क्या था उसने मतलब इस बात का उसे अफसोस था और अब वो एक अच्छे डॉग की तरह रहता था वेन हिज मिस्टर स्टेल्स हिम ही कैन नॉट कम विद हर फॉर ए वॉक भी वो उसके साथ वहाँ नहीं जाएगा तो अब ये चुपचाप एक डॉग की तरह रहता था वन संडे वन द लेडी हैड चेंड हिम अप एज यूजल एंड वॉज अबाउट हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट शी शी सडनली शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ ए ट्री ब्रांच ऑन द विंडिंग फुटपाथ फुटपाथ बिहाइंड हर तो एक संडे क्या हुआ कि वो लेडी इसको चेन करके भालू को और अपनी सिस्टर के घर जाती है और जब वो आधे रास्ते होती है तो उसको क्रैकलिंग ऑफ ट्री ब्रांचेज यानी पेड़ों की जैसी ब्रांचेज होती है उसकी आवाज़ और फुटपाथ बिहाइंड उसको लगता है पीछे कोई आ रहा है शी लुकड बैक वॉज हॉरीफाइड टू तो सी द बेयर कमिंग अलॉन्ग फुल स्पीड और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो भालू को देखती है और वो बड़ा ही एकदम से हॉरीफाइड हो जाती है डर जाती है भी ये कैसे आ गया बियर्स लुक एज इफ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली बट दे शफल अलोंग मच फास्टर देन ए ट्रोटिंग हॉर्स इन ए मिनट ही हैड ज्वाइंट हर तो जो कहते हैं ये भालू होते हैं वैसे तो ये स्लो चलते हैं और जब किसी के साथ चलना हो तो ये मच फास्टर हो जाते हैं उस टाइम इन ए मिनट इन ए मिनट ही हैड जॉइंट हर एक ही मिनट में वो भाग के मतलब उसके साथ आ गया पेंटिंग एंड स्निफिंग <coughs> तो पेंटिंग यानी जब हार्ड ब्रेथ आते हैं भागने के बाद जैसे उसने फिर सूंघता है आगे टू टेक अप हिज यूजल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स तो उसकी हील्स को पैरों की तरफ मतलब उसको जैसे डॉग करते हैं उस तरह से करता है द लेडी वॉज एंग्री अब लेडी लेडी को गुस्सा आ जाता है शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच देर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम क्योंकि वो उसने सिस्टर के घर जाके लंच करना था आज संडे था और उसके पास अब इतना भी टाइम नहीं था कि वो वापस इसको लेके घर छोड़ के आए इस बेयर को देर वॉज नो टाइम टू टेक शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विदर और ना ही वो उसको साथ लेके जाना चाहती थी भी ऐसा भी नहीं था भी उसको वो साथ ले जाए और वहाँ पे अपने सिस्टर के घर एंड बिसाइड इट वॉज़ वेरी नोटी ऑफ हिम टू हैव डिस हर और उस उसको इस बात का भी गुस्सा था कि भी ये किस तरह की शरारत है कि उसने मतलब डिसोबे किया बेयर ने रुका नहीं उसको वहाँ बांध के आई थी फिर भी आ गया शी टोल्ड हिम इन हर सीवियवियरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट होम अब वो बड़े गुस्से से उसको कहती है भी वापस जा मिनसिंग हिम विद हर पैरासोल पैरासोल होता है अम्बरेला तो पैरासोल से उसको क्या करती है मतलब उसके चोट देती है ही स्टॉप्ड डे मोमेंट एंड लुक एट हर विद हिज़ कनिंग आईज अब वो बेयर क्या करता है दो मिनट रुकता है और फिर अपनी कनिंग आई से उसको देखता है बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक पर वो वापस नहीं जाना चाहता एंड कैप्ट ऑन एट हर और उसको स्नीफिंग करता रहता है सूंघता रहता है मैन द लेडी सो दैट ही हैड एवर लॉस्ट हिज न्यू कॉलर फिर लेडी जब देखती है कि उसने अपना न्यू कॉलर 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 क्या होता है जैसे हम डॉग के गले में कुछ वो पटा वगैरह डाल देते हैं ना तो इसके भी वो डाला हुआ था उसको कॉलर बोला जाता है शी गोट्स टिल मोर एंग्री अब वो लेडी और ज़्यादा गुस्सा हो गई एंड हिट हिम ऑन द नोज विद हर पैरासोल सो हार्ड दैट इट ब्रोक इन टू वो इतने हार्ड वो अम्बरेला पैरासोल मारती है उसके नाक पे भालू के कि वो टूट के दो टुकड़ों में हो जाता है जो पैरासोल होता है अम्बरेला होता है ही स्टॉपड अगेन शूक हिज हैड एंड ओपन हिज बिग माउथ सेवरल टाइम्स एज इफ़ ही वॉन्टेड टू से समथिंग वो भालू क्या करता है अपना मुँह खोलता है और ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहता है

वेन द लेडी केम होम इन द इवनिंग जब शाम को वो लेडी अपने घर आई द बेयर वॉज सिटिंग इन हिज यूजल प्लेस भालू अपनी जगह पर ही बैठा था आउटसाइड हिज कैनल अपनी जो कैनल के बाहर लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिम जैसे वो बड़ा मतलब सॉरी फील कर रहा हो द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री लेडी को भी बहुत गुस्सा था शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कॉल्ड हिम वो वहाँ उसके पास गई और उसे स्कॉल्ड होता है डांटना उसको डांटने लगी मोस्ट सीवियरली एंड सेट ही वुड हैव टू बी चेंज फॉर टू मोर डेज और उसे कहती है भी तेरे को दो दिन और बांध के रखूंगी द ओल्ड कुक हु लव्ड द बेयर एज इफ ही हैड बीन हर सन जो ओल्ड कुक थी उनके घर पे तो जिसने उसको अपने बेटे की तरह पाला था रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री वो किचन से बाहर आती है बड़े गुस्से में कहती है वट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर किस बात के लिए डांट रही हो मिसस सेट द कुक ने कहा ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे ये तो बहुत मतलब सारा दिन बहुत अच्छे से रहा है यहाँ पे ब्लेस हिम इसे आशीर्वाद दो ही हैज़ बीन सिटिंग हीर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉन्चिज एज मी एज एन एंजल ये तो यहाँ अपने हॉन्च पे हॉन्चेज़ क्या होते हैं ये बट्ट का जो हमारा बैक साइड होता है बैठने का पार्ट होता है इसको बोलते हैं और कहते है ये तो एंजल की तरह रहा है मतलब बहुत जैसे एक फरिश्ते की तरह बैठा रहा है बहुत सीधा लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट यू टू कम बैक और तुम्हारा वेट करता रहा है कि तुम आओगी तुम किस बात पे डांट रही हो तो स्टूडेंट्स स्टोरी में क्या था जो वो बेयर इसको मिला था लेडी को वो बेयर ये सेम बेयर नहीं था वो कोई और बेयर था तो इसको मतलब ऐसे ये लेडी डांट रही है वो बेयर कोई जंगली फॉरेस्ट बेयर था तो दिस इज द स्टोरी आई होप यू इन्जॉय द स्टोरी ओके सी यू नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय